मिल गया, बंद नहीं कर दी थी। तो जहाँ तक गाड़ी के इंजन की बात है, गाड़ी के फ्रंट लुक की बात कर लेता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाड़ी की हेडलाइट की बात जहाँ तक कर रहे हैं, गाड़ी की हेडलाइट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई लो बीम, यहाँ इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको पार्किंग का ऑप्शन मिल जाता है। वैगनआर की हेडलाइट देख के मुझे कभी कभार इस तरह फील होता है कि जिस तरह प्राडा 2006 या 2004 मॉडल की जिस तरह हेडलाइट है उस तरीके का कभी कभार मुझे पड़ जाता है, मगर मेरा ख्याल है आपको शायद कुछ और लगता हो। मगर इसके फ्रंट लुक की अगर बात करें, इसकी ग्रिल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है, यहाँ पे आपको मैट ब्लैक का पीस, और यहाँ नीचे जो कि फ्रंट बम्पर के अंदर आपको थोड़ा सा पीस मिल जाता है एयर के लिए। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट लुक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। गाड़ी के जो कि फ्रंट लुक के अंदर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉग लैम्प का ऑप्शन है, मगर इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। अगर आप आफ्टर मार्केट इसके अंदर इंस्टॉल करवाना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जहाँ तक गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात है, गाड़ी की साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ओवरऑल अगर गाड़ी की हाइट की बात कर लें, जो कि गाड़ियाँ नॉर्मल गाड़ियों की जो कि हाइट है उससे ज़्यादा है। तो गाड़ी के अगर फ्रंट पे आप देखें, यहाँ पे आपको फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको जो कि इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है हेलोजन के अंदर। उसके अलावा अगर आप इसके टायर्स की बात कर लें, इसके टायर जो आपके यूरो के मिल जाते हैं। उसके अलावा इसके साथ आपको जो कि अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर डोर की तरफ आएँ तो डोर के ऊपर आप देख सकते हैं आपको जो कि बैक व्यू मिरर मिल जाता है बॉडी टोन के अंदर। उसके अलावा फ्रंट डोर की बात कर लें, यहाँ पर आपको जो कि इसका जो कि डोर हैंडल है ये आपको बॉडी टोन में मिल जाते हैं। गाड़ी के ओवरऑल अगर लुक साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो आपको मुझे गाड़ी की नज़र भी आ रही है स्क्रीन पे। जहाँ तक गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, गाड़ी की बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगेन गाड़ी के अगर हम बैक लाइट की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंडिकेटर, यहाँ बैक लाइट, और यहाँ के रिवर्स जो कि लाइट मिल जाती है। सारी लाइट जो कि फ्रंट और बैक की लाइट इसके आपको हेलोजन बल्ब के अंदर मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप इसकी बैक साइड पर देखें, यहाँ पर आपको सुजुकी का जो कि AGS वेरियंट है ये आपको यहाँ पर AGS का, और यहाँ पर वैगनआर VXL का आपको जो कि ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो कि स्ट्रिप मिल जाती है ये आपको क्रोम के अंदर मिल जाती है। साथ ही अगर आप गाड़ी का रेयर बम्पर देख सकते हैं ये भी आपको बॉडी टाउन के अंदर मिल जाता है। तो जहाँ तक गाड़ी के अंदर एंट्री और एग्जिट की बात है, गाड़ी के अंदर एंट्री और एग्जिट के बारे में मैं आप बता दूंगा। तो जहाँ तक गाड़ी की चाबी की बात है, आप गाड़ी की चाबी देख सकते हैं यहाँ पे लॉक इधर सॉरी लॉक अनलॉक, और ये आपको जो कि दूसरी चाबी इसकी सिंपल में मिलती है। तो उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो कि एंट्री की बात कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं गाड़ी हाइट वाइज अगर किसी की लंबी हाइट है तो वो ईज़िली इसके अंदर बैठ सकता है, मतलब उसको कोई तंगी नहीं है। ये देख सकते हैं इसका लेग रूम भी बहुत ज़्यादा है और इसका हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है। वैगनआर के अंदर यही फ़ायदा है कि आप इजीली अंदर बैठ भी सकते हैं, और ये देखें इनकी एग्जिट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर इसके रेयर सीट की बात कर लें, इसके अंदर मेरा पहले ही सामान पड़ा हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप रेयर भी इसकी आप बहुत ज़्यादा खुली है। इसका हेड रूम भी चेक कर सकते हैं, इसका लेग रूम भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसका जो कि नीचे फर्श देख लें, ये बिल्कुल फ्लैट है। उसके अलावा देख सकते हैं आप लॉन्ग जर्नी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त और कंफर्टेबल गाड़ी है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर जो कि एंट्री और एग्जिट और सीटिंग की बात है तो वो किसी लिहाज से भी कमी नहीं है। तो जहाँ तक गाड़ी की बूट स्पेस की बात है, गाड़ी की बूट स्पेस भी मैं आपको दिखा दूँ, जो कि ये आपको जो कि की से ओपन करना पड़ेगी, ये देख सकते हैं। तो इसके अलावा गाड़ी के आप बूट स्पेस भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो कि ये बूट सेपरेटर मिल जाता है, और उसके अलावा ये सारे गाड़ी के जो कि मैट हैं जो कि आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको जो कि स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि स्पेयर व्हील है ये आपको अलॉय व्हील में नहीं मिलता, ये आपको सिंपल में मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो कि जैक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा स्पेस पीछे भी काफ़ी है, ये देख सकते हैं इसको आप, हम दोबारा रख देते हैं, फंस गया, चलो इसको यहाँ पर दोबारा रख देते हैं और इसको कर देंगे बंद यहाँ से, बस। तो जहाँ तक गाड़ी के डैशबोर्ड की बात है, गाड़ी के डैशबोर्ड आप देख सकते हैं आपको टू टोन के अंदर मिल जाता है, ब्लैक और बेज कलर के अंदर। और जहाँ तक आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एयर विंड यहाँ पे मिल जाती है, दो आपको दरमियान में और एक आपको लेफ्ट साइड पे पैसेंजर पे मिल जाती है। गाड़ी का जो कि स्टीयरिंग व्हील है ये आपको 3 स्पोक में मिल जाता है, एयर बैग के साथ मिल जाता है, और इसके अंदर आपको जो कि हॉर्न का बटन इसके अंदर एडजस्ट किया मिल जाता है। सिलर के अंदर इसकी थोड़ी सी एडिंग की गई है, जो कि छोटे बहुत पीस लगाएं जिससे गाड़ी की जो कि स्टीयरिंग की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। उसके अलावा गाड़ी की अगर सेंट्रल यूनिट की बात कर लें, गाड़ी के सेंट्रल यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो कि LED डिस्प्ले मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हैजर लाइट का बटन और यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें गाड़ी के डैशबोर्ड के ग्लव बॉक्स की स्पेस भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा अगर मैं आपको इसके जिस तरह की AGS वेरिएंट है इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके जो कि गेयर लीवर है ये आपको जो कि ऑटोमेटिक के अंदर मिलता है। ऑटोमेटिक और मैनुअल आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप ये देख सकते हैं अगर आप इसको ऑटोमेटिक में चलाना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल D में कर दें,
और अगर आप इसको मैनुअल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप लेफ्ट साइड पर करके नीचे की तरफ करेंगे तो ऊपर वाला गियर लगेगा, अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो इसका गियर एक रिवर्स हो जाएगा। उसके अलावा ये तो गाड़ी के थे इंटीरियर के कुछ फीचर डैशबोर्ड के। उसके अलावा गाड़ी का जो कि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ, उसके अलावा इसके जो कि LCD है, इसके डिस्प्ले वगैरह आपको सब दिखा देता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ी का जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है यहाँ पे आपको। इधर देखिए, यहाँ पे आपको जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह वो यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, MID डिस्प्ले के ऊपर आपको जो कि किस गाड़ी जो कि गाड़ी कौन सी गियर में एंगेज है वो मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर आपको जो कि इसका RPM मीटर मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें इसके डिस्प्ले की तरफ, ये देख सकते हैं आप, इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ये देख सकते हैं ज़बरदस्त है। और नीचे हज़ार लाइट का बटन वगैरह भी आपको सारे यहीं पे एडजस्ट किए हुए मिल जाएंगे। और ऊपर से अगर गाड़ी के सनशेड्स की बात कर ली जाए तो सनशेड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल मिलते हैं। इनके अंदर वैनिटी मिरर तो नहीं आता, ये देख सकते हैं आपको, ये इनके सनशेड हो गए। उसके अलावा यहाँ पर इसके फ्रंट कैबिन की लाइट की बात कर लेते हैं, ये देखें आपको हैलोजन के अंदर मिल जाते हैं इसके बाद। और उसके अलावा अगर इसके दरवाज़ों की बात कर लूँ तो दरवाजे इसके आप देख सकते हैं जो कि फ्रंट वाले डोर हैं, इसके अंदर जो कि आपको विंडो है वो पावर मिल जाती हैं, जो कि रेयर वाले हैं डोर उसके अंदर आपको जो कि हैंडल के साथ ऊपर नीचे करनी पड़ती है विंडो। जहाँ तक गाड़ी की एसी की बात है, गाड़ी का एसी भी हम चेक कर लेते हैं। इसकी थ्रो इसकी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मगर मैंने इसलिए कम कर दिया क्योंकि आवाज़ के अंदर काफ़ी शोर आना था। तो गाड़ी की जो कि ओवरऑल लुक होगी, उसके एसी की परफॉर्मेंस होगी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो जहाँ तक गाड़ी के इंजन की बात है, गाड़ी का इंजन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। अगर मेरी तरह आप भी इसका इंजन पहली बार खोल रहे हैं तो पहले एक मतलब खोल लेना, कहाँ गया इसका बटन। मिल गया, बंद नहीं कर दी थी। तो जहाँ तक गाड़ी के इंजन की बात है, गाड़ी का इंजन आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट किया हुआ है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी स्पेस वगैरह मिल जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो कि बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, या आपको रेडिएटर का पानी वगैरह मिल जाता है, और स्क्रीन का जो कि पानी आपको इस साइड पे मिल जाता है। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो गाड़ी की जहाँ तक फ्यूल एवरेज की बात है, फ्यूल एवरेज जो कि आपको गाड़ी 17-18 जो कि आपको सिटी में दे देती है, और 22-1 तकरीबन आपको लॉन्ग पे आपको दे देती है गाड़ी की एवरेज जो कि है। और गाड़ी बाकी मजीद गाड़ी की जो कि प्राइसेज हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इसके जो कि 3 वेरियंट हैं सबकी, तो आप इजीली वहाँ से रीड कर सकते हैं। और आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें, अगर बाय करना चाहें, तो आपको यहाँ मॉडल टाउन में सुजुकी साउथ पंजाब पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी गाड़ी बुक करवा सकते हैं।